आप कहते गए और मैं करता गया। आप बताओ, विकास के इतने काम कभी कांग्रेस के जमाने में हुए थे क्या? जोर से बताए हुए थे क्या? कांग्रेस की दृष्टि विकास की नहीं थी। सहायगंज में कॉलेज, सहायगंज में आईटी, सहायगंज के बगल में मेडिकल कॉलेज, यहाँ की सड़कें, यहाँ का टाउन हॉल, यहाँ का जिम, यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था में मैं केवल वर्णन नहीं करना चाहता। लेकिन आपने प्यार दिया, एक बात मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि आपका मान सम्मान और शान पूरी दुनिया में बढ़ाई, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाई। बताओ, मैं जैसा काम करता हूँ आपको गर्व है? पूरे प्रदेश में दिन और रात मैंने सचमुच में, मेरी धर्मपत्नी भी यहाँ बैठी है, कभी एक रात चैन की नींद नहीं सोया। दिन और रात, और अच्छा कैसे करूं, और बेहतर कैसे करूं, और अच्छा कैसे करूं। दो तीन घंटे की नींद में मेरा काम चल जाता। ये शक्ति माँ ने मुझे दी है शायद इसी के लिए कि मैं आपकी जिंदगी बदलू। और एक बात और, कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमल कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है, मामा खजाना खाली कर गया। मैं नर्मदा के तट पे खड़े के कहता हूँ कि माँ की कृपा से मेरे पास पैसे की कभी कमी नहीं आई। ये चमत्कार है मेरी लाडली बहना। कोई नहीं कहता कभी कि कोई ऐसा भैया भी आएगा जो हर महीने खाते पैसा डाल देगा। बताओ, कभी सोचा था क्या मेरी बहनों? बताओ ईमानदारी से, इतनी बड़ी संख्या में मेरी बहनों ने आज अपने भाई पे प्रेम की वर्षा की है, राखी मुझे भेंट की है, कोई सोच नहीं सकता। लेकिन योजना हमने बनाई कैसे? जैत में मैंने जो दर्द देखा जनता की जिंदगी में, माँ बहन बेटी की जिंदगी में, बेटे बेटी जिंदगी में, आज मैं विस्तार से उन पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं तकलीफ देखता गया और योजना बनाता चला गया। मैंने देखा कि बेटी पैदा आए तो घर में उदासी छा जाती थी, बेटा हो तो उल्लास मने, ढोल बजे, माई खाओ, बधाई गाओ। और बेटी आ गई, कहने लगे मोरू से आ गई, परेशान हो जाते थे। मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बना, मैंने कन्यादान योजना बना दी। बहनों को आगे बढ़ाने के लिए हमने आधा रिजर्वेशन, तभी मेरी ये बेटी यहाँ बैठी है नगर पंचायत के अध्यक्ष पर, वो कर दिया। और लाडली बहनाओं, ये योजना मिसाल है दुनिया में, आज इतनी बड़ी योजना कभी नहीं बनी। 1000 से शुरू की, 1250 दे रहा हूं और धीरे धीरे बढ़ा के 3000 तक इसको ले जाऊंगा। बेहवी सुख से जीने का अधिकार है, नारी को भी हक है, उसका भी तो इस धरती के संसाधनों पे अधिकार और हक है। और इसलिए आधी आबादी, ये पूरा न्याय है मेरा। और जो रह गई है वो चिंता मत करना, जाके कह देना भैया आज कह के गया, जो छूट गई है उन सबके नाम भी जोड़ दिए जाएंगे। और अब जो बेटियां जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा की हो गई, उन्हें मुझे मामा हम तो पढ़ रहे हैं, हम काहे को 21 साल में शादी वादी करें, मैं नहीं करनी, हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने तय किया उन बेटियों को भी अब राशि देना हम शुरू करेंगे, अभी रजिस्ट्रेशन का काम चालू करेंगे। कोई भी वर्ग हो समाज का, मेरे किसान भाई 6000 पीएम देते, 6000 मैं देता हूँ। आपने जितनी कहीं सिंचाई की हो मैंने बना दी। कांग्रेस के जमाने में पत्थर नहीं लगता था कंकर एक, मैंने अपना क्षेत्र भी बदला, लेकिन मध्य प्रदेश को भी बदल के मैंने दिखाया। आप सोचो, कोई सोचता था रथ यात्रा सरकार कराएगी और मामा हवाई जहाज से तीरथ ले जाएगा? मैं ले जा रहा हूँ हवाई जहाज। कितनी चीजें आज मैं गिनाना नहीं चाहता। बुधनी से बार बार फोन आ रहे हैं कि देर बहुत हो गई है, आज तो मैं आपसे केवल भावपूर्ण अपील करने आया हूँ, दिल से बताना। देखो, मैंने जब भी कोई आया मैंने निराश नहीं जाने, भरपूर कोशिश की। अगर बीमार हो जाए तो सीएम हाउस वाले परिवार की तरह खुले रहते हैं कि मैं इलाज करवाऊंगा, चिंता मत ना। कोविड के काल में मैं रात रात भर जग के कोशिश करता था कि बुधनी साहिबगंज में भी ऑक्सीजन की कमी ना हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन आ जाए, मेरा कोई भाई बहन मरे ना, की जिंदगी बच जाए। दिन और रात कोशिश की। आप बताना मुझे, मैंने अच्छा कहा कि नहीं किया? आज पूरे मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बना के दिखाया है और हिंदुस्तान का नंबर एक का राज्य बनाना है। और इसलिए कांग्रेस के लोग तो भरोसा नहीं, रोज गाले मैंने कन्याओं की पूजन की,
दिग्विजय सिंह कहते हैं राज सिंह तुम्हारा नाटक नौटंकी करता है। बताओ कन्याओं की पूजा नाटक नौटंकी है क्या? ये हमारी भारतीय परंपरा है। वो परेशान है कि ये डेढ़ मुट्ठी का इतने साल से मुख्यमंत्री बने बैठा तो रोज मुझे गाली देते रहते हैं, मुझे परवाह नहीं है। मैं तो मध्य प्रदेश को आपका आशीर्वाद मिलेगा बहुत आगे ले जाऊंगा और जनता की जिंदगी बदल के बताऊंगा। अगली बार लक्ष्य है हर गरीब जिनकी टूटी झोपड़िया है उनको पक्का मकान बनाने के लिए साथ देना, और एक परिवार और एक रोजगार, हर परिवार एक रोजगार, ये मेरा संकल्प है। इन सब चीजों को अभी पूरा कर। और बहनों तुम्हारी आमदनी बढ़ा के 10,000 रुपया करना है, स्व सहायता समूह के माध्यम से लखपति बनाना है। गरीब नहीं रहने दूंगा लखपति, हम क्यों गरीब रहेंगे, हम क्यों आंसू बहाएंगे, हम क्यों दुख भरी जिंदगी जिएंगे, हम भी आराम से खुशी से जिएंगे। इसके लिए तुम्हारा भाई काम कर रहा है, दिनरात काम करता है, लखपति क्लब में शामिल करूंगा मेरी बहनों। साल में 1,00,000 से ज्यादा आमदनी मेरी बहनों की हो जाए घर का काम करते हुए, खेती सोना उगले, इसलिए सिंचाई की योजना सहित। और नौजवानों को बेटे बेटियों के लिए तो लैपटॉप क्या, स्कूटी क्या, मेडिकल में जाएंगे तो फीस रे मेरे भांजे भांजियों मैं भरवाऊंगा, चिंता मत करना, रास्ते में कोई बाधा नहीं आने दूंगा, कई काम अभी मुझे पूरे करने। और उसके लिए मुझे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना ली है, और इसलिए मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ दिनों रात अनथक, मैं कभी थकता नहीं हूँ, ये माँ की कृपा है मुझ पर। रात को भी 2:30 बजे सोया और 5:30 से उठ के फिर काम तो लग गया, नहीं थकता, क्योंकि जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाएगा जनता को सुखी करने का तब तक मैं सो नहीं सकता, मैं चैन से बैठ नहीं सकता। मैं प्रदेश में घूमूंगा और मैं आपको वचन देता हूं आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में फिर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, हम जिता के लाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मुझे यहां से फ्री जाना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि मता भैया क्या जरूरत है, तू तो जा मध्य प्रदेश में, अरे बता मुझे बुधनी मैसेज में आना चाहिए क्या, तो यहाँ कौन चुनाव लड़ेगा? पूरे मध्य प्रदेश में हम लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा और यहाँ का चुनाव आप संभाल लो मेरे बहनों और भाइयों, आप खुद सिवरा बन जाओ, हर घर जाओ, द्वार द्वार खटखटाओ, सारे मतभेद भूल जाओ, सारे मतभेद भूल जाओ, अपने में काय का भेद, मैंने कोई देख के काम किया क्या, मैंने सकल देख के काम किया क्या, हर एक की सेवा की है। उसने गांव के छोटे मोटे झगड़े लल्लू स्तर पे है तो उस पार्टी में चला जाए, ये मत होने देना, नहीं बहुत होते कर रहे जय को नाम होए तो जो पोलिंग तो हरा दो तो जाके औकात पता चल जाए, कई बार ऐसी चीजें हो जाए। और इसलिए अपने क्षेत्र में सारे मतभेद भूल के इस बड़े लक्ष्य के लिए जिस पर मैं जनता की जिंदगी बनाने वाला हूँ सब एक हो जाए, सब एक हो जाए, कोई मतभेद नहीं, मिलकर तय करें कि हम पूरे हिंदुस्तान को बता देंगे कि साहेबगंज और बुधनी की और बक्तरा की डोबी की बनेता हो, मड़ावन हो, सुदौन हो, पनारी हो, हमारे आसपास के अकोला हो, पारखेड़ी हो, हिरानी हो, जहानपुर हो, चाचमऊ हो, हतलेवा हो, खटपुरा हो, बता दो एक बार कि हम शिवराज से प्यार करते हैं और शिवराज से प्यार करता है। प्यार की ये मिसाल मेरे अल्पसंख्यक भाइयों ने आज जैसा किया, माझी समाज केवल समाज वाले नाव चला के राम को पार उतार रहे, और हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहनों ने भी तलक पावड़े बिछा दिया, मेरे व्यापारी भाई बहन समाज का हर वर्ग घुसते ही ब्राह्मण देव ने मंत्रोच्चार करके मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं खुद मेरे बहनों और भाइयों और यही विश्वास दिलाता हूँ कि जान भले ही चली जाए विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। आज हम यहाँ खड़े होकर संकल्प करें कि इस बार बुधनी की ऐतिहासिक होगी, पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि जीत क्या होती है। बोलिए सब तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माँ की जय बोल के संकल्प लीजिए कि हम सबसे बड़ी जीत, रिकॉर्ड जीत यहाँ पे हासिल करेंगे। बोलिए भारत माँ की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे।